जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हिंदू आवाहनी के प्रदेश के महामंत्री टीके मल जी, प्रबंधक अभिनंदन इंटर कॉलेज राय वीरेंद्र जैन जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष राधेश्याम श्रीवास्तव जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित, श्री जगनेन्द्र सिंह नीटू जी, रणेन्द्र सिंह जगनू जी, रामभुवाल कुशवाहा जी, ऋषि मोहन वर्मा जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आपने अभी हमारे यहां पर वक्ताओं के मुंह से देश और दुनिया की बात सुनी होगी। गोरखपुर महानगर में विगत 5 वर्ष के दौरान और खासतौर पर 2 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन आया है, ये सब परिवर्तन तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा ना? क्यों, कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा है? गोरखपुर की आवाज में बोलिए, ये झेम करके नहीं। गोरखपुर में विकास कुछ दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? सड़क है, बिजली है, एम्स है, फर्टिलाइजर है और भी तमाम चीजें विकसित हो रही हैं, सब दिखाई दे रहा है ना? ये कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, जोर से बोलो। अच्छा लग रहा है ना? विकास जब होता है तो सबको अच्छा लगता है। ऐसे जब देश का विकास होता है तो सबको अच्छा लगता है ना? सबका उद्देश्य क्या है? कि हमारा देश विकास की बुलंदियों को छुए, हमारा देश सुरक्षित होए, हमारे देश में चारों ओर खुशहाली हो। और यही तो कार्य मोदी जी ने 5 वर्ष में किया है ना? आपको लगता है व्यापक परिवर्तन हुआ है? जैसे आप लोग बैठे हैं, यहां पर मंच बना है, मंच के ऊपर भी कोई पंडाल नहीं, आपके ऊपर नहीं, लेकिन हम लोग शाम के समय हैं, इस समय धूप नहीं है, लेकिन मैंने बंगाल में देखा है भीषण तपती हुई दोपहरी में मंच के ऊपर केवल पंडाल, शेष जमीन पे लोग बैठे हुए हजारों हजार की संख्या में बैठ करके मोदी मोदी चिल्ला रही है। एक ही नारा है और वह नारा है कि फिर एक बार पूरे देश के अंदर यह नारा गूंज रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, त्रिपुरा में, इधर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आज मैं बिहार था, बिहार में भी यही सब नारे गूंज रहे हैं। कारण है मोदी जी ने 4 आयामों पर बहुत अच्छा काम किया। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया। जब भारत का सम्मान बढ़ेगा तो भारत की 130 करोड़ की जनता का सम्मान बढ़ेगा ना? भाई, हमारे देश के सम्मान के साथ हमारा भी तो सम्मान बढ़ता है, आप सहमत हैं? भारत की सुरक्षा को मजबूत किया है, हमारा देश सुरक्षित होगा तो आप सब सुरक्षित होंगे ना? पूरा देश सुरक्षित होगा, आप मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं? और विकास के कार्य भी आप सोचिए, 2 साल पहले गोरखपुर में सड़कों के हाल क्या थे, बिजली नहीं आती थी, 4 जिलों में बिजली मिलती थी प्रदेश में, गोरखपुर समेत 71 जिले ऐसे थे जहां बिजली हमेशा गायब रहती थी। हम आंदोलन करते थे, बड़े बड़े आंदोलन होते थे, सड़कों पे करते थे। आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आंदोलन में मेरे साथ सड़कों पर निकल करके प्रदेश में सपा या बसपा की सरकार के खिलाफ इस आंदोलन में सहभागी बनते थे। क्या सच है ना? लेकिन आज तो बिजली की समस्या नहीं है ना? आज तो भरपूर बिजली मिल रही है ना? ये भरपूर बिजली क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्यों सड़कें चौड़ी हो रही हैं? क्यों एम्स बन रहा है? क्यों फर्टिलाइजर बन रहा है? क्यों गोरखपुर में भी आज रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण करके डल झील की तरह इसको भी पर्यटन के बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्रवाई हो रही है?
और यही नहीं, गोरखपुर में हम एक चिड़ियाघर भी खोलने जा रहे हैं। चिड़ियाघर में जितने भी पशु योनि के जीव हैं उन सबको रखेंगे। और बहुत सारे लोग इस चुनाव के बाद, आप देखना, बहुत सारे लोग जो चुनाव से रिटायर होंगे उनको भी कहीं ना कहीं किसी म्यूजियम में रखने की वस्तु बनाने की तैयारी होगी। एक तैयारी पूरे देश के अंदर, जैसे गोरखपुर का विकास हो रहा है वैसे ही प्रदेश का विकास हो रहा है और ऐसे ही देश का विकास भी हो रहा है। जो कार्य 55-60 वर्षों में कांग्रेस नहीं कर पाई, जो कार्य 20 वर्षों में सपा बसपा का गठबंधन नहीं कर पाया, वह कार्य आज प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रारंभ हुआ। अकेले गोरखपुर महानगर में 28,000 गरीब महिलाओं को, गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5-2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत हुए हैं। और किसी शहर में इतना नहीं स्वीकृत हुआ, गोरखपुर में इतना स्वीकृत हुआ। गोरखपुर में हवाई जहाज की सेवा, पहले एक हवाई जहाज चलता था दिल्ली से, वो भी कभी बंद हो जाता था, अब आज कभी मुझे भी अगर दिल्ली से गोरखपुर आवश्यक कार्य से आना हो तो मैं रात 11 बजे भी दिल्ली से चलता हूं तो भी गोरखपुर एयरपोर्ट में जहाज आज लैंड कर लेता है, क्योंकि हमने वो सुविधा गोरखपुर एयरपोर्ट पर दे दी है। आज दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट है, मुंबई के लिए होने जा रही है, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद के लिए वायु सेवा शुरू हो गई है और अब तो हम काठमांडू के लिए भी एक वायु सेवा शुरू करने जा रहे हैं। यानी विकास के लिए हम लोग वह कार्य करेंगे जो आप सोचेंगे, वह कार्य पहले गोरखपुर में हो चुका होगा। लेकिन गोरखपुर में विकास के साथ साथ कला का भी एक संगम बने, संस्कृति का भी संगम बने, भोजपुरी परंपरा को भी एक मंच मिले, इस जिससे रवि किशन जी को मैं आपके बीच में लेके आया हूं। और मैं तय कर चुका हूं इनकी अगली फिल्म में मुझे 2 लोग रखने हैं, एक जवाहर कसोदन को और एक सीताराम जायसवाल जी को। अगली फिल्म में ये दोनों लोग इनके साथ कार्य करेंगे, आप देखना ये दोनों लोग कितना अच्छी एक्टिंग करेंगे, तब आप भी कहेंगे कि फिर आप भी कहेंगे सीताराम जी को, सीताराम जी आप बिजली के लिए आप कुछ मत करिए, नाली सड़क के लिए कुछ मत करिए, वह काम प्रदेश सरकार कर रही थी कि सुरेश खन्ना जी इसीलिए यहां बिठाए गए हैं कि वे यहां की समस्याओं को देखेंगे और चुनाव के बाद इसका समाधान करेंगे। सीताराम जी फिल्मों में एक्टिंग करें, गोरखपुर की जनता का मनोरंजन भरपूर करें, सहमत है ना? आज तो गोरखपुर में कोई दंगा नहीं हो रहा है ना, प्रदेश में भी नहीं हो रहा है ना, 2 वर्ष में कोई दंगा नहीं सुना होगा ना। हमने ऐसी व्यवस्था की कि पर्व और त्योहार आते थे लोग कहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। पिछले वर्ष विजयादशमी और मुहर्रम एक साथ पड़ गया, सब लोग भयभीत थे। मैंने कहा भी क्यों भयभीत हो, कहा एक साथ पड़ गया। मैंने कहा एक साथ पड़ रहा है पर नहीं दीजिए, विजयादशमी भी होगी और उसके बाद शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का जुलूस भी निकलेगा। और मैंने कहा देखो किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो बोलना, देखना फिर उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, समझ लो कहां पहुंचेगा। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दुर्गा पूजा के जुलूसों पर, दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में रोक लगा दी। लोगों को जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो वहां के हाईकोर्ट ने वहां की सरकार को कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में विजयादशमी के जुलूस और दुर्गा पूजा हो सकती है और मुहर्रम के जुलूस भी निकल सकते हैं तो कलकत्ता में क्यों नहीं हो सकते हैं। फिर वहां की सरकार ने हमसे पूछा और फिर हमने कहा कि देखो भाई हमारे यहाँ सम्मान सबको मिलता है लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं होता है और यही कारण है कि यहाँ पर कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं कर सकता। 2 वर्ष में प्रदेश में कहीं दंगा नहीं सुनाई दिया होगा, कोई अपहरण नहीं सुनाई दिया होगा, कहीं कोई इस प्रकार की घटना नहीं सुनाई दी होगी जिस घटना से प्रदेश का सम्मान घटा हो
और गोरखपुर के लोगों को कहीं नीचे देखना पड़ा हो। आपने सुना, हमने पूरी मजबूती के साथ काम किया। हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन देंगे, हर घर में एक एक शौचालय उपलब्ध कराएंगे, जिनके पास नहीं उनको देंगे। हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन देंगे, हर गरीब को राशन कार्ड देंगे, हर वृद्धावस्था की अवस्था में जाने वाले निराश्रित परिवार को एक एक उसको पेंशन की व्यवस्था करेंगे। और अब तो हमारी सरकार ये भी कार्य करने जा रही है, 60 साल के बाद छोटे व्यापारियों को हम पेंशन की सुविधा भी देने जा रहे हैं। पटरी व्यवसायी हैं, अन्य व्यवसायी, उनको भी जवाहर का शोधन भी उसमें आएगा। और फिर मैं देखता हूं कि पेंशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। भाइयों बहनों, हर छोटे व्यापारी को, पटरी व्यवसायी को हम लोगों ने श्रमयोगी मानधन के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। 60 वर्ष के बाद ऐसे लोगों को 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जितनी निराश्रित महिलाएं थी सबको पेंशन, जितने दिव्यांगजन थे सबको पेंशन एक साथ। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने गोरखपुर में सर्किट हाउस में कार्यक्रम किया था आज से 3 महीने पहले, एक साथ 31,000 लोगों को पेंशन स्वीकृत हुआ था अकेले गोरखपुर में। एक सरकार जो विकास के लिए कार्य कर रही है, सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, देश की समृद्धि और देश को दुनिया की एक महाताकत बनाने के लिए कार्य कर रही है, सरकार वही होनी चाहिए ना? आप सहमत है ना? पूरी तरह सहमत हैं? कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस की महासचिव, और अगर मैं कहूं पार्टी के अनुसार कांग्रेस की महासचिव, और अगर शाही परिवार के अनुसार कहूं तो कांग्रेस की सहजादी ने क्या कहा? कहा कि हम लोग कांग्रेस अब वोट कटुआ हो गई है। भाइयों बहनों, वोट कटुआ, 3-4 साल पहले मैंने एक नाम सुना था, मोहन उचवा का, आपको याद है? गोरखपुर में भी बहुत सारी जगह, एक दीवार तो जवाहर कसोदन जी रात्रि में जा रहे थे, लोगों ने हल्ला कर दिया, मोड़ नचुआ मोड़ नचुआ, लोग टूट पड़े। जानकारी मिल गई तो उसके बाद इनको किसी प्रकार से बचाया, लेकिन ये अक्सर होता था कि कोई किसी को अपनी दुश्मनी निकालनी हो तो लोग हल्ला कर देते, मोड़ नचुआ आया। और भाइयों बहनों, आज तो जैसे मोड़ नचुआ के लोग धुनाई करते थे, मैं आप सबसे कहूंगा अपने वोट से वोट पर कटवा कांग्रेस की धुनाई कर दीजिए, कायदे से धुनाई कर दीजिए, और कह दीजिए कि अब कांग्रेस की वंश परंपरा का कोई काम नहीं है, हमें सुरक्षा देने वाली सरकार चाहिए, हमें विकास की सरकार चाहिए, और हमारे समग्र विकास के लिए बिना भेदभाव के गरीब को, वंचित को, नौजवान को, महिला को, व्यापारी को, समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ देने वाली सरकार चाहिए। और वह कार्य कोई कर सकता है? कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और मोदी जी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? आप चाहते हैं ना, जो देश के अंदर नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, आप सहमत हैं? गोरखपुर में भी यह नारा लगेगा, घर घर तक नारा जाएगा, रवि किशन जी को घर घर जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना? आप स्वयं रवि किशन बनकर के चले जाएंगे और मुझे भी नहीं मौका मिलेगा। पहले चुनाव में मैं आता था, हर वार्ड में कम से कम एक सभा करके आ जाता था, लेकिन आज मुझे पूरे प्रदेश के अंदर देखना है। प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों पर सभाएं लगी हैं। अब जैसे आज ही मैं बिहार गया था, अभी परसों मुझे फिर बंगाल जाना है। बंगाल में भी भाजपा बहुत अच्छी सीटें प्राप्त कर रही है, 42 में से लगभग 30 सीट भाजपा जीतने जा रही है बंगाल में। तो इसलिए गोरखपुर में मैं गांव, घर, वार्ड में, हर मोहल्ले में नहीं जाऊंगा। आप मेरी तरफ से जाएंगे घर घर? हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, आश्वासन करिए कि घर घर आप जाएंगे, किशन जी को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे, तैयार हैं? सब लोग सहमत हैं?
19 तारीख को रविवार है, गोरखपुर छोड़ के नहीं जाएंगे, पहला काम मतदान होगा, ये संकल्प लेते हैं। सभी लोग अपने आसपास पड़ोस मित्र सुचिंतक जितने होंगे सबको मोबाइल फोन आपके पास है, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके आज से ही SMS करिए और जिन गरीबों के कार्य हुए हैं, जहां पर जो अच्छे कार्य हुए हैं, एम्स बना है, फर्टिलाइजर बना है, एयरपोर्ट बना है, अच्छी सड़कें बनी है, रामगढ़ ताल जो या जितने भी अच्छे कार्य हुए हैं, इन सब की सेल्फी लेकर के उसको सोशल मीडिया में खूब वायरल करिए और 19 तारीख तक प्रत्याशी के साथ कोई सेल्फी नहीं लेंगे। 19 के बाद जब 23 को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो रवि किशन जी को मैं कहूंगा कि हर वार्ड में जाकर के हर कार्यकर्ता के साथ और गोरखपुर के हर नागरिक के साथ सेल्फी जरूर खिंचवाइए। तैयार हैं? सब लोग सहमत हैं? मेरे साथ जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ। अब मैं विरोध करूंगा महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी से, कृपया आए और आभार ज्ञापन करें।